हेलो नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बैग गले की डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये मेरे पास जो कुर्ते का बैग वाला हिस्सा है, इसमें मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। देखिए, तो ये गले की लंबाई मैंने पूरी 8 इंची ली है और इसकी चौड़ाई ऊपर से 3 इंची है। देखिए, इस तरह से मैंने इसको गोल काट लिया है। देखिए, ये गला है, ये पूरा गोल कट गया है। अब इसमें मैं डिज़ाइन लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं गले पर पाइपिंग लगाने के लिए ये और भी पट्टी दूसरे कपड़े से निकाल रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये और भी पट्टी है जो निकाल ली है। अब इसको मैं जॉइंट करूँगी। तो देखो, इस तरह से इन पट्टियों को मैं जॉइंट कर रही हूँ। देखिए, ये पट्टी हैं, ये मेरी जॉइंट हो गई हैं। अब इस पर मैं गले पर पाइपिंग लगाऊंगी। देखिए, छोटे छोटे टुकड़े हैं पाइपिंग के, मैंने जॉइंट कर ली है। अब देखो, इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से गले पर डबल रख के इसको मैं सीधी साइड से लगा रही हूँ। देखिए, इसी तरह से इसको मैं पूरे गले पर लगा लगा दूंगी। तो देखिए, ये मेरे पूरे गले पर पट्टी है जो लगकर तैयार हो गई है। देखिए, इसी तरह से इसको पूरे गले पर लगा दूंगी। कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। बहुत ही कम समय लगता है इस डिजाइन को बनाने में। देखिए, ये मेरी पाइपिंग है, ये लगकर तैयार हो गई है। अब देखो, इसको मैं उल्टी साइड में इसको फोल्ड करूंगी। देखो, कैंची से इसको छोटे छोटे कट कर रही हूँ मैं, जिससे कि इसमें लूजिंग नहीं आए। अब देखिए, इसको मैं इस तरह से, ये गला है जो बिना ही बुकरम के बना रही हूँ मैं। तो देखिए, इस तरह से इसमें पतली पाइपिंग लगा रही हूँ। दूसरा कपड़ा है ये, मैंने पाइपिंग के लिए लिया है। देखो, इस तरह से इसको बराबर करते हुए ये पूरे गले पर मैंने पाइपिंग लगा दी है। देखो, ये पूरे गले पर मेरी पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। अब इस पर मैं डिजाइन लगाना शुरू करूंगी। ये मेरा गला ही बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, इसके इसके बीचों बीच मेरे को एक निशान लगाना है गले के बीचों बीच। तो देखिए, ये मेरे पास ये 2 कलर के कपड़े हैं जो मैंने चौकोर काट के रखे हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से करके इसके बीचों बीच से मैं इनको लगाना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को तिकोना करके यहाँ पर मुझे लगाना है। देखिए, दूसरे कलर के कपड़े को भी इसी तरह से लगा रही हूँ। देखिए, इस तरह से इनको लगाते हुए मैं पूरे गले पर लगा दूंगी कि दोनों दोनों कलर के कपड़े हैं वो, तो एक दूसरा कलर का ये इसमें इस तरह से ये मैं सेट करते हुए जा रही हूँ। देखिए, इनके बीचों बीच में सिलाई लगा रही हूँ। दोनों कलर के कपड़े इनके बीचों बीच सिलाई लगाते हुए पूरे गले को सेट कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, इस तरह से मैं पूरे गले पर तिकोने कपड़े करके इस पर लगा रही हूँ। देखो, इसकी डिजाइन है वो एकदम बहुत ही सुंदर बनेगी और बहुत ही कम समय लगता है इस डिजाइन को बनाने में। अगर सिलाई से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करके पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। देखो, इस तरह से इसके जो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से बराबर बराबर काट रही हूँ। अब देखो, ये ऊपर की तरफ से काट लिया, इसी तरह से नीचे की तरफ से भी मैं बराबर बराबर काटूंगी। ये गला है जो मैंने बिना ही बुकरम के बनाया है। देखिए, इस तरह से इसको मैं बराबर काटते हुए ये देखो, ये कितनी सुंदर डिजाइन लग रही है। देखो, अब इस पे जो मेरे पास
ये लेस है, देखो इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। देखो ये कटे हुए कपड़े के ऊपर ये मैंने लेस लगा दी है। देखो ये पूरे गले पर इस तरह से मैंने इस लेस को लगा दिया है। तो ये मेरी लैस है जो लगकर कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से देखो मैं नीचे की साइड में भी लैस लगाऊंगी। ये नीचे की देखो मेरे पास जो पतली लैस है इसको मैं नीचे की साइड में सेट कर रही हूँ। देखिए ये पतली लेस है, इसको मैं कपड़े को छुपाते हुए इसमें नीचे की साइड भी लेस लगा रही हूँ, जिससे कि कपड़ा है जो ये कपड़ा है ये कटा हुआ दिखाई ना दे और दिखने में अच्छा भी लगे। देखिए इस तरह से मैं इसको बराबर करते हुए इस लेस को लगा रही हूँ। देखिए ये जो लेस है मैंने पूरी इसी तरह से पूरे गले पर लगा दी है। देखिए मेरी लैस है जो ये भी लगकर तैयार हो गई है। देखो अब इसमें मैं जो इसमें मैं इस दूसरी साइड में बटन लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मेरे पास ये 5 बटन है ये मैंने जो बनाए। अगर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपको बटन बनाना भी बताऊंगी। देखो इस तरह से मेरे पास ये 5 बटन है ये मैंने लगा दिए बराबर बराबर हिस्सों में। देखिए इस तरह से मेरे 5 बटन है ये लगकर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए गला कितना सुंदर दिख रहा है बिना ही बुकरम के। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।